इस प्यार भरे स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो महाराष्ट्र से हमारे साथ आए हैं और अब महाराष्ट्र में आप वापस जाओगे। आप सही बोल रहे हो, आपको हमने ए प्लस ग्रेड दिया था क्योंकि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज की और उसका बहुत अच्छा मैसेज महाराष्ट्र में और पूरे देश में गया। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और जब हमने शुरू की तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है और ये पैदल किया नहीं जा सकता। और अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं, 370 किलोमीटर यहां चलेंगे और ये यात्रा, ये जो हमारा तिरंगा है, इसको श्रीनगर में लहराएगा और उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तिरंगा जाएगा, श्रीनगर जाएगा और वहां पे इस तिरंगे को हम लहराएंगे। यात्रा के पीछे दो तीन लक्ष्य। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ ये यात्रा है। देखिए तरीका क्या है बीजेपी का, सबसे पहले डर फैलाओ। किनके दिल में डर? युवाओं के दिल में। कैसे? बेरोजगारी दिलवाकर। जो हमारे उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके दिल में डर। कैसे? सही दाम ना देकर, बीमा का पैसा ना देकर, कर्जा माफ ना करकर। मजदूरों के दिल में डर कैसे? मनरेगा को ना चलाकर। तो ये पहले डर फैलाते हैं और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है फिर उसको वो हिंसा में बदलते हैं। देखिए हिंसा कुछ कोई चीज नहीं होती, हिंसा डर का एक रूप है। जो डरता नहीं है वो हिंसा कभी नहीं कर सकता है, जो डरता है वो हिंसा करता है। तो पहला लक्ष्य हिंदुस्तान के जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं और जो युवा हैं, माताएं बहनें हैं, उनके दिल से डर मिटा दो। मतलब डरो मत, किसी से मत डरो, ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जहां भी हम चल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, रुद्रा। रुद्रा भाई होके तुम क्या करना चाहते हो? रुद्रा देखो क्या एज है तुम्हारी, क्या उम्र है? हाँ देखो रुद्रा 5 साल का है। इधर आओ भैया, दिखाओ अपना चेहरा इनको, यहां ऊपर आओ, ऊपर आओ। ये रुद्रा जो है, थोड़ा ऐसे करो, अरे दम से करो ना, दम से करो। चलो मध्य प्रदेश के युवा हो, दम से करो, शाबाश। ये जो बच्चा है 5 साल का है, ये जानता है कि ये डॉक्टर बनना चाहता है, ये कोई छोटी बात नहीं। इसने अपना सपना बना दिया है, अब ये उसके लिए काम करेगा। स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे और इनका सपना है कि एक दिन ये डॉक्टर बने। मगर आज के हिंदुस्तान में रुद्रा का सपना पूरा नहीं हो सकता। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं,
देश में मैं रुद्रा जैसे युवाओं से मिला हूं, 5 साल के 10 साल के 15 साल के 20 साल के। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, सारे के सारे शिक्षा के इंस्टीट्यूट प्राइवेटाइज हो गए। तो अगर आपको अगर रुद्रा बनना है, डॉक्टर बनना है, तो लाखों रुपए पहले जेब से, माता पिता की जेब से निकलने होंगे, करोड़ों। और उसके बाद रुद्रा को पता लगेगा कि माता पिता के खून पसीने ने उसकी शिक्षा, उसको शिक्षा दिलवाई, मगर जब डॉक्टर बनने का टाइम आया तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा और उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। ये है आज का हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं, बेरोजगारी का हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। इस हिंदुस्तान में 3-4 अरबपति जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं, पूरा कर देते हैं, सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हाथ में दिख रहा है, केरल से यहां तक, फोर्ट्स उनके हाथ में, एयरपोर्ट उनके हाथ में, सड़कें उनके हाथ में, टेलीकॉम उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में, रेलवे उनके हाथ में जा रही है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, ये अन्याय का हिंदुस्तान है। हमें न्याय चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए पहले तो, दूसरी बात ये। और तीसरी बात, हमारी यहां बहने हैं, आपका नाम क्या है? रीना पवार जी, आप एक बात मुझे, आप मुझे एक बात बताइए, जब यूपीए की सरकार गैस सिलेंडर का क्या रेट था? 400 रुपए, आज क्या रेट है? 1200। तो 400 और 1200 रुपए में फर्क है, ये पैसा कहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, मुझे ये बता दीजिए, ये किसकी जेब में जा रहा है? और पेट्रोल का दाम था 7 रुपए था, आज क्या है? 100 रुपए, 107 रुपए। ये किसकी जेब में जा रहा है ये भी बता दो। आपकी जेब में से निकल रहा है, किसान की जेब में से निकल रहा है, छोटे व्यापारी की जेब में से निकल रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? वही 3-4 उद्योगपति है, उन्हीं की जेब में जा रहा है। तो ये 3 मुद्दे हैं, भारत छोड़ो डरो मत, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी के खिलाफ भारत छोड़ो यात्रा खड़ी है और श्रीनगर तक जारी, और तीसरा मुद्दा महंगाई। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, मध्य प्रदेश में हम पहला कदम रखे हैं, आपसे बहुत बातचीत होगी, बहुत गले लगेंगे आपसे, किसानों की समस्या समझेंगे, हर प्रदेश से थोड़ी अलग होती है। जैसे यहां पर मैंने देखा, यहां पे केले के खेत, वहां पे कपास के खेत, तो हर किसान हर स्टेट में थोड़ा अलग होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा अलग होता है। हम 7-8 घंटे चलते हैं, आज थोड़े लेट हो गए, आज 7:20 हो गए, हम आमतौर से 6 बजे सुबह शुरू करते हैं और 7-8 बजे तक हम चलते हैं। 25 किलोमीटर एवरेज बनता है और उसमें हम चलते हुए हम बातचीत नहीं करते, हम अपनी बात नहीं रखते, मुंह बंद कान खुले, बता रहा हूं, मुंह बंद कान खुले, मन की बात नहीं, हमारी मन की बात नहीं, आपके मन की बात क्या है, किसानों की मन की बात क्या है, बहनों की, युवाओं की मन की बात क्या है, मजदूरों की मन की बात क्या है, छोटे व्यापारियों की मन की बात क्या है, ये हम सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं, और फिर 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 7 बजे शाम को हम अपनी बात रखते हैं। तो बहुत मजा आएगा।
कार्यकर्ताओं को थोड़ी थकान होगी और आप देखना लाखों लोग, लाखों किसान, लाखों युवा, बेरोजगार युवा इस यात्रा में शामिल होंगे और पूरे मध्य प्रदेश में चल के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।